Assalamualaikum everyone, welcome to the Phoneworld Live. मैं हूं आपका होस्ट आदम और आज मैं वी आर गेयर यूज़ करने वालों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट एप्लीकेशन है ओकुलस की. सो इस एप्लीकेशन का नाम है vTime जो कि सैमसंग ओकुलस के यूज़र यानी कि सैमसंग गेयर वी आर के यूज़र्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री एप्लीकेशन है ओकुलस के स्टोर से. सो वीर सबसे मज़े की बात इस एप्लीकेशन की है, स्पेशली मे बी डिज़ाइन भी उन लोगों के लिए की गई हो जिनके पास यूजुअली होता नहीं है कोई बात करने को, क्योंकि यूजुअली आपको याद होगा कि पहले ज़माने में आप यूजुअली इंटरनेट पर ऑनलाइन स्ट्रेंजर से सिर्फ बात कर सकते थे, वॉइस कॉल या फिर चैट कर सकते थे. लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू इवन आपके फेस जेस्चर्स, आपकी फेस मूवमेंट भी ये एप्लीकेशन डिटेक्ट करती है और फिर आप डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर जाकर किसी से भी ऑनलाइन वर्ल्ड पे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं अपने किसी पसंद के टॉपिक्स पर, डिस्कशंस कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस सेलेक्ट करके. यानी कि फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश उर्दू को चेक मार्क कर दिया तो आपको भी वही लोग मिलेंगे जिनको इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज आती होगी और वही लोग आपसे कम्युनिकेट कर सकेंगे. और भैया जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है ओल्ड होम्स का, यानी कि औलाद अक्सर अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ाती है क्योंकि उनके पास अक्सर कोई बात करने को नहीं होता. इवन ओल्ड होम में भी अक्सर लोगों के पास बात करने को कोई नहीं होता. इवन वहाँ पर यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को पे किया जाता है ओवरली. अगर वो वहाँ पर जाकर किसी भी बूढ़े के साथ बात करते हैं तो उनको ओवरली पे किया जाता है. क्योंकि व्यूअर्स रिसेंटली मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है एक ऐसे आदमी के साथ बात करने का जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रहता था. 55 इयर्स उसकी एज थी लेकिन उसके पास कोई बात करने को नहीं था. मैंने उससे वजह पूछी कि वो एप्लीकेशन में कैसे आया, उसने कैसे इंस्टॉल किया एप्लीकेशन, तो उसने मुझे बताया क्योंकि उसके पास कोई बात करने को होता नहीं था. तो उसने कहा कि मैं स्ट्रेंजर से बात करके ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि स्ट्रेंजर से माइट भी उसने कभी मिला भी ना हो, ना कभी उसने देखा हो. तो ये सारी अपनी डेली रूटीन की बातें उन स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर किया करता था. और इस एप्लीकेशन पर आप अपनी मर्जी का कोई भी एवटार डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिहाज से, अपनी फेस के लिहाज से, और फिर ये एवटार आपके फेस मूवमेंट के लिहाज से रिस्पॉन्ड करता है. और सबसे मज़े की बात इस एप्लीकेशन की है कि जो सीन आपको नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल आपके ऊपर से कोई प्लेन गुजर रहा है, एट अ टाइम वही सीन दूसरे यूज़र को भी, यानी कि बेशक वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा होगा, उसको भी वही सीन नज़र आ रहा होगा और आप दोनों यूज़र्स एट अ टाइम सेम सीन को एंजॉय कर सकते हैं. और स्पेशली अगर आपका कोई दोस्त अब्रॉड में रहता है या अगर आपका कोई रिलेटिव अब्रॉड में रहता है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक ही जगह पर कनेक्ट होकर ढेर सारी बातें कर सकते हैं और आप काफ़ी देर तक बैठे हुए अपनी डेली रूटीन को डिस्कस कर सकते हैं. और इस एप्लीकेशन पर डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर डिफरेंट लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का अपना ही मज़ा है और आप एक साथ किसी भी सीन को एंजॉय कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और इवन स्ट्रेंजर्स के साथ. सो व्यूअर्स मुझे तो एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और आई स्पेशली रिकमेंड दिस एप्लीकेशन फॉर दोज पीपल जिनके पास यूजुअली कोई बात करने का नहीं होता. तो इस एप्लीकेशन के थ्रू वो डिफरेंट स्ट्रेंजर से कनेक्ट करके अपने दिल की बातें भी शेयर कर सकते हैं. सो व्यूअर्स उम्मीद है आपको भी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी. सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.